साल 2024 का आधा साल तो व्यतीत हो गया, अब आधे साल बचे हुए हैं। इसमें प्रारंभ ही है ये जुलाई 2024 का महीना। आज जानने का प्रयास करते हैं कि जुलाई में उस परमात्मा ने क्या कुछ भाग्योन्नति के दृष्टिकोण से आपके अपने मकर राशि के जीवन में छोड़ रखा है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके स्वास्थ्य, आपके आर्थिक लाभ और साथ ही साथ एजुकेशन, कैरियर और भाग्य की स्थिति को। हम उन तारीखों को भी जानेंगे जिन तारीखों में हमें विशेष सफलता मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। उन तारीखों को भी जानेंगे जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। किस उपाय के माध्यम से इस जुलाई के महीने को हम सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं, इस बात की पुष्टि भी हम इसी वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष पहुँचाने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ करते हैं उस दिन से, 1 जुलाई के दिन से, दिन जिस दिन चंद्रमा, जो कि स्वयं मन के कारक माने गए हैं, आपके स्वयं चतुर्थ भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। एक ऐसा योग होगा जिस दिन चंद्रमा और मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है आपके फोर्थ हाउस पे। इसे माना जाता है महालक्ष्मी राजयोग। इस राजयोग के फलस्वरूप जो सबसे अच्छी बात होगी वो सुखों में वृद्धि होगी। किसी कारण से मन यदि अशांत है, उस अशांति का कारण आप तलाश कर पाते हैं और यहाँ पर शांति प्रदान करने के लिए चंद्रमा स्वयं शांति के भाव पर उपस्थित है। सबसे पहले समझते हैं आपके स्वास्थ्य की स्थिति को, क्योंकि जान है तो जहान है। आपके अपने राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव और यही आपका तन, आपका शरीर का स्थान है। इस भाव के मालिक शनिदेव अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। 2 दिन पहले अर्थात 29 तारीख से ही ये वक्री हो चुके हैं। जुलाई के महीने पर ये पूर्ण अपना प्रभाव दिखाएंगे। अब ये वक्री अवस्था में आकर एक भाव पीछे का भी परिणाम देंगे। उस हिसाब से मकर राशि पर ही शनि का पूर्ण प्रभाव हो गया, जो आपके राशि के स्वामी हैं। और इस परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य में कोई गंभीरता है, किसी कारण को लेकर के हमारा मन अशांत है या फिर तन अशांत है, यहाँ पर मुझे शांति प्राप्त होगी, क्योंकि अपने राशि के स्वामी राशि भाव पर ही अपना वक्रत्व प्रभाव दिखा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसी आपके अपने मकर राशि को ही 2 और ग्रहों का शुभ संचार मिल रहा है, जिसमें से सूर्य नारायण की दृष्टि पड़ेगी। 16 तारीख के बाद सूर्य भगवान एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, अर्थात आपके अपने सप्तम भाव पर चले जाएंगे। सप्तम भाव से सूर्य की एक दृष्टि पड़ती है मकर राशि पर। और यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति जो इस समय पर पंचम भाव पर चल रहे हैं, इनकी नौवीं दृष्टि पड़ेगी मकर राशि पर। और इस हिसाब से 3 बड़े ग्रहों का साम्राज्य, उनकी दृष्टियां मकर राशि के जीवन को एक बहुत अधिक लाभान्वित करा देने वाला समय दिलाने में सक्षम साबित होगा इस जुलाई के महीने में। अब आपके धन की स्थिति को समझते हैं। धन भाव के स्वामी स्वयं धनेश बनते हैं शनिदेव महाराज, और यही शनिदेव वक्रत्व स्थिति पर आकर के आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत बनाएंगे। कारण इसका ये होगा, जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है उनके पास फल देने की कैपेबिलिटी काफ़ी मजबूत हो जाती है, और इस हिसाब से धन के स्वामी का धन भाव पर वक्री होना किसी विशेष आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति आपको करा सकता है। किसी विशेष अर्थ संबंधी लाभ को आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस मार्ग से आपके पास धन आ रहे हैं उस मार्ग को ये मजबूत बनाएंगे। ये शनिदेव महाराज का एक वरदान है आपके लिए, और ये सिर्फ जुलाई महीने ही नहीं बल्कि 15 नवंबर सन 2024 तक ये शनिदेव प्रभावी रहेंगे। इसलिए अर्थ के दृष्टिकोण से ईश्वरीय कृपा और शनिदेव का साथ आपको भरपूर मात्रा में मिलने जा रहा है। इसके अलावा समझते हैं आपके सुख के स्थान को, आपके प्रॉपर्टी के स्थान को। किसी भी प्रकार से यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य आपको करना हो तो ध्यान रखेंगे 12 जुलाई तक मंगल स्वयं चतुर्थ भाव पर हैं। भाई चतुर्थेश चतुर्थ भाव पर हैं, इसलिए प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, मकान से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना हो तो 12 जुलाई तक अनुकूल समय यहां पर साबित होगा।
इसके बाद समझते हैं आपके संतान, आपके शिक्षा, आपके प्रेम संबंधों को, जहाँ पर स्वयं गुरुदेव बैठे हैं। माना जाता है कि गुरुदेव जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान को बड़ा बनाते हैं। बड़ा बनाने का तात्पर्य यह हो गया आपके एजुकेशन भाव पर है, तो जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा में प्रगाढ़ता मिलेगी, जो प्रेम संबंधों में हैं उनके प्रेम में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो अभी देव गुरु बृहस्पति का यह प्रभाव सिर्फ जुलाई भर नहीं बल्कि अभी आगामी 10-11 महीने अभी और रहने हैं, और इस हिसाब से आपको पंचम भाव के सारे शुभ एडवांटेज यहां पर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। पंचम भाव संतान का है, संतान प्राप्ति नहीं है या फिर संतान को लेकर के हम चिंतित हैं, तो देव गुरु बृहस्पति पूरे एक साल तक आपके पंचम भाव को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं, और यही स्थान आपके डिसीजन का होता है। इस डिसीजन आप जो लेते हैं उस पर आप अडिग रहेंगे और उस पर आपको लाभान्वित करा देने वाली स्थिति भी उत्पन्न होती है। समझते हैं आपके नौकरी के घर को। छठा घर हमारे नौकरी का होता है, जहाँ पर सूर्य और शुक्र बैठे हैं। माना जाता है कि सूर्य जब भी जिस स्थान पर होते हैं वहाँ पर राजा की पदवी होती है, अर्थात यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से कोई काम आपका नहीं बन पा रहा है तो सूर्य अभी 16 जुलाई तक आपके लिए अनुकूल साबित होंगे, विशेष तौर पर सरकारी नौकरी के लिए। ध्यान देंगे, सूर्य प्रतिष्ठा कारक ग्रह माना गया है और इसलिए 16 जुलाई तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है आपके नौकरी के संबंधों को लेकर के। आपने कहीं कॉल किया है, कहीं इंटरव्यू दिया है लेकिन उसका परिणाम नहीं आया है, तो हो सकता है 16 जुलाई तक ज़्यादा आपके लिए अनुकूल साबित वो समय निकल करके सामने आए। अब इसके बाद क्या होगा भाई, 16 तारीख के बाद, 16 जुलाई के बाद सूर्य भगवान एक घर आगे अर्थात सप्तम भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। अब देखा जाए तो सूर्य आपके लिए अष्टमेश है, अष्टम भाव के स्वामी सप्तम भाव पर आते हैं। जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी गर्मी की संभावना यहां बन सकती है या आपसी विवाद की स्थिति भी बन सकती है, जिससे हमें बचना होगा। दांपत्य जीवन को जितना हम मधुर बना करके रखते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा है, अर्थात हमारा सप्तम भाव हमारे दशम भाव से दशम भाव होने के कारण हमारा कैरियर भी होता है, अर्थात जिसका दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा उसके कैरियर में भी उसे प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। यह है मकर राशि के लिए एक शुभ संदेश। अब इस स्थान पर जैसे ही एक समय आता है 7 जुलाई, तब होता क्या है कि शुक्र की एक स्थिति आगे बढ़ जाएगी। शुक्र भी छठे भाव को छोड़कर के सप्तम भाव पर चले जाएंगे, तो जो लोग विवाह की तैयारी कर रहे हैं, वैवाहिक संबंधों को लेकर के यदि परेशान है, तो अब यहीं पर शुक्र उनको सपोर्ट देने के लिए आ गए। शुक्र स्वयं प्रेम है और इस कारण से दाम्पत्य जीवन में प्रेमता की प्रगाढ़ता भी यहाँ पर प्रस्तुत होती है। अब समझते हैं भाग्य की स्थिति क्या रहेगी मकर राशि के लिए इस जुलाई के महीने में। केतुदेव स्वयं विद्यमान है और इस नवम भाव के स्वामी होते हैं बुध देव। बुध की स्थिति इस समय पर बनी हुई है आपके सप्तम भाव पर। अब नवम के स्वामी का सप्तम भाव पर आना, एक त्रिकोण के मालिक का केंद्र पर आना, एक अच्छा केंद्र त्रिकोण का एक संगम बन गया, जिसके माध्यम से मेरे भाग्य का साथ मुझे मिलता है, मेरे उच्चाधिकारी के संग मेरे जो संबंध होंगे वो मित्रवत इस समय पर संबंध होंगे। भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए एक अनुकूल समय हो गया। मित्रों का इस समय पर सपोर्ट मिलता है क्योंकि सप्तम भाव मेरे मित्रों को रिप्रेजेंट करने वाला स्थान होता है। यदि आप पार्टनरशिप के काम में हैं यहां पर भी आपको संपन्नता और सफलता देखने को मिलती है। अब समझते हैं आपके कैरियर को। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कैरियर होता है, माना जाता है जिसका काम बड़ा उसका नाम बड़ा, और इसी हिसाब से इस भाव को रूल करते हैं शुक्रदेव, और शुक्र की स्थिति इस समय पर छठे भाव पर बनी हुई है। तो यदि नौकरी को लेकर के आप चिंतित हैं, नौकरी को लेकर के कोई अच्छा डिसीजन चाह रहे हैं, तो इसके लिए एक संबंध अच्छा है सूर्य का शुक्र का, दोनों ही गोचर अच्छा होगा। एक तो 7 जुलाई तक नौकरी को लेकर के कोई बड़ा डिसीजन आ सकता है और ऊपर से 16 जुलाई तक सूर्य आपके सपोर्टिंग में है ही। इसके बाद होगा क्या, शुक्र जैसे ही गोचर व 7 जुलाई से 31 जुलाई तक सप्तम भाव पर रहेंगे तो केंद्र के स्वामी केंद्र में रहेंगे और ऊपर से मकर राशि के योग कारक बनते हैं शुक्र, और इस हिसाब से देखा जाए तो कोई अच्छा पद प्रतिष्ठा आपको दिलाने में ये समर्थ होंगे। शुक्र का कनेक्शन हमारे धन से होता है, हमारे पैसों से होता है, ये भी अनुकूल हो गया। हो सकता है आपके मित्रों के संपर्क से, आपके मित्रों के साथ से आपका कैरियर कोई अच्छी व्यवस्था को यहाँ पर आप कायम होते हुए देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आपके इनकम के स्थान को।
यदि जीवन में हमने कर्म किया है तो इनकम भी आना है। तो इनकम स्थान के स्वामी 8 नंबर लिखा है, स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल की स्थिति समय पर चतुर्थ भाव पर स्वराशि के बैठे हैं। एक अच्छा योग हो गया कि भाई इनकम के स्वामी स्वराशि के बैठे हैं। 12 जुलाई तक का जो समय होगा वो लाभ के दृष्टिकोण से सुख कारक होगा। एक शांति के माहौल में रहते हुए आप इनकम कमा पाते हैं इस टाइम पर। लेकिन जैसे ही मंगल का ट्रांजिट एक घर आगे बढ़ता है, अपने शत्रु की राशि पर ये ट्रांजिट करते हैं। परंतु एक अच्छी बात ये हो गई कि पहले से देवगुरु बृहस्पति यहाँ विराजमान है, अर्थात मंगल को यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा गुरु का। गुरु मंगल का कॉम्बिनेशन जीवन में बहुत अच्छा माना गया है। ज्योतिष में इन दोनों को दोस्त और मित्र माना गया है। इस कारण से हमारे लाभ के स्वामी हमारे पंचम पे आएंगे, हमारे मनोनुकूल जो कामनाएं हैं उस कामनाओं की पूर्ति यहाँ पर करा जाते हैं, अर्थात जो मन में जो कामना है उस कामना की पूर्ति यहाँ पर होती है। हमारे मनोनुकूल कार्य यहाँ पर संपन्न होते हुए भी हमको नज़र आ सकता है। लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शेयर मार्केट में यहाँ पर अच्छा लाभ दिखता है। लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पंचम भाव मेरे डिसीजन का होता है, डिसीजन के द्वारा अच्छा लाभ हो सकता है। संतान लाभ चाहते हैं तो संतान भाव पर मंगल स्थापित होंगे। एक प्रकार से एक अच्छा संयोग ही इसे माना जाएगा लाभ के दृष्टिकोण से। अब भाई यदि हमारे जीवन में लाभ है तो हमको हमारा कहीं ना कहीं तो खर्च भी होगा ना, तो खर्च स्थान को समझते हैं। खर्च भाव के स्वामी 9 नंबर की राशि है, 9 नंबर को रूल करते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति बैठे हैं स्वयं पंचम भाव पर। तो खर्च कहाँ होंगे? खर्च होंगे हमारे संतान पर, खर्च हो सकते हैं उनके एजुकेशन, उनके करियर के लिए कोई खर्च हो सकता है। खर्च हो सकता है आपके लव रिलेशन में, खर्च हो सकता है प्रेम संबंधों में, खर्च हो सकता है। खर्च हो सकता है आप किसी क्रिएटिविटी संबंधी काम में है तो वहां पैसा लगा सकते हैं। पंचम भाव हमारे शेयर मार्केट का होता है, हो सकता है इसमें पर आप कोई बड़ा इन्वेस्ट कर पाए अपने शेयर मार्केट में। लेकिन जब भी शेयर मार्केट में कोई बड़ा पैसा लगाना हो उसके पहले आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी जानकार ज्योतिषी से जरूर करा लेना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो ये जुलाई 2024 का महीना एक विशेष जागृति को प्रदान करते हुए शिव शक्ति की कृपा आपको प्रदान करेगी। कैसे करेगी समझिएगा। इसी जुलाई महीने में 6 जुलाई से 15 जुलाई का जब डेट आता है, गुप्त नवरात्रि का शुभ संयोग प्रारंभ हो जाता है। ये समय होता है 10 महाविद्याओं की आराधना का। आप चाहें तो इस दिन अपने घर में जो देवी माता बैठी हुई हैं वहाँ पर ज्योत जला सकते हैं। घी का दीपक जला देने मात्र से माता जी की कृपा के द्वारा आपको आपके कार्य में संपन्नता यहाँ पर नज़र आ सकती है। इसके अलावा जैसे ही 22 जुलाई का डेट आता है, देवाधिदेव महादेव का शुभ महीना श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। सबसे अच्छी बात तो तब हो जाती है जब ये श्रावण मास का प्रारंभ ही सोमवार से हो जाता है। इस दिन अर्थात इस समय पर आप भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र, या फिर ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमीव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस महामृत्युंजय का मंत्र भी आपके लिए बहुत अधिक सफलताकारक और 9 ग्रहों के दोष को दूर करने वाला होगा। अब समझते हैं उन तारीखों को जो तारीख आपके लिए सफलता कारक और उन्नति कारक सिद्ध हो सकता है। शुभ तारीखों में मकर राशि के लिए जुलाई 2024 का जो शुभ तारीख होगा वो तारीखें हैं 16 जुलाई, 17, 18, 21, 22, 23, 25 और 26 तारीख आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगा। इसके विपरीत जहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी वो तारीखें होंगी 1 जुलाई, 2, 9, 10, 11, 19, 20, 27 और 30 तारीख को आपको सतर्कता से युक्त भी रहना होगा। यदि इस दिन किसी आवश्यक कार्य को पूर्ण करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप किसी कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।